लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महाराज अधिराज मृगांकी। सेनापति, हमें प्रतीत होता है कि ब्राह्मण विप्रदास हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वो अपना हट त्यागने को तैयार ही नहीं। जाओ, समस्त प्रजा के सामने उसे प्राण दंड दो, ताकि किसी दूसरे को हमारे आदेश की अवहेलना का साहस ना हो सके। जय श्री राम। प्राण दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए मृगांक, क्योंकि जो राजा अपनी निरीह प्रजा पर इस प्रकार अत्याचार करता हो, उसके लिए प्राण दंड अनिवार्य है। पहले ये बताओ, कौन हो तुम? मैं हूँ राम भक्त हनुमान। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया हनुमान जी। मैंने तो इनसे यही कहा कि ये अपने चमत्कार दिखाकर मुझे महान बनाए। एक तुच्छ को महान बनाने की शक्ति केवल भगवान ने, और वो भी तब जब वो व्यक्ति त्याग, तपस्या और परोपकार करे। तो जैसा अभिमानी और अन्यायी राजा इस जन्म में, तो क्या 7 जन्मों में महान नहीं बन सकता, समझा? अब अपने इस घोर अपराध के लिए पंडित विप्रदास से क्षमा मांगो। मेरे ही राज्य में मुझसे क्षमा मंगवाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। एकांत, मैं तुझसे अंतिम बार कह रहा हूं कि तू पंडित विप्रदास से क्षमा मांगता है अथवा नहीं? नहीं, कदापि नहीं। नहीं, तब तो तेरी अभिमानी अत्याचारी राजा को दंडित कीजिए। परंतु हनुमान, यह है कौन? अयोध्या के पश्चिम प्रदेश का राजा श्रीकांत। एक राजा को इस प्रकार अपमानित करने का कारण इसी से पूछिए प्रभु। ये एक राम भक्त को प्राण दंड देने के लिए प्रस्तुत हो गया था। एक राजा अपने राज्य का स्वामी अपनी न्याय व्यवस्था हम दूसरों पर कैसे कर सकते हैं? मैं निश्चय ही दंड का पात्र हूँ श्रीराम। मुझ मूर्ख अज्ञानी ने आपके समान महान बनने का दुस्साहस किया और उसके लिए विप्रदास को विवश करना चाहा। मैं आपसे और श्री हनुमान से क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन्हें सकुशल इनके राज्य पहुंचा दो, पश्चाताप इनका हृदय निर्मल हो चुका है। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण नारायण। जय श्री राम। नारायण नारायण।
गुरुदेव 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 नारायण नारायण गुरुदेव गुरुदेव कहाँ हैं आप गुरुदेव मैं जानता हूँ आप यहीं कहीं हैं कृपया अपने शिष्य को दर्शन साक्षात प्रकट हुई गुरुदेव मैं अयोध्या के आकाश में तुम जानते हो कि इस समय मैं अयोध्या की पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकता इसलिए तुम्हें ही उड़कर मेरे पास आने का कष्ट करना होगा जैसे आप क्या कहते हैं जय श्री राम हनुमान हनुमान महामंत्री सुमन ने तो कहा था कि तुम नहीं गई हनुमान तुम प्रभु श्री राम की सेवा में तल्लीन हो यह अच्छी बात है परंतु तुम्हें अपने आप को भी नहीं भूलना चाहिए तुम पहले मेरी बात सुनो शांत शांत गुरुदेव शांत और अपने प्रिय शिष्य हनुमान को ये बताइए कि आपके क्रोध का कारण क्या है वही बताने के लिए तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा से 12वें स्थान पर शनि ग्रह का प्रवेश हो चुका है गुरुदेव इसमें चिंता करने की क्या बात है चिंता करने की क्या बात है तुम पर शनि का प्रकोप है और तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं गुरुदेव शनि देव तो मेरे शुभ चिंतक हैं और आप ही के कहने पर तो मैंने उन्हें रावण के चुंगल से छुड़ाया था ये बात आप भूल गए मैं नहीं भूला हनुमान परंतु तुम भी ये मत भूलो कि समय अपनी गति से चलता है और व्याधि भी अपने समय पर आती है और जीव व्याधि से बचने का प्रयत्न करता है परंतु तुम तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद और प्रभु श्री राम की कृपा से शनि देव मुझे प्रभावित नहीं कर सकते मैं जानता हूँ हनुमान कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता परंतु ऐसे शत्रु से सावधान रहना अति आवश्यक है जो बिना चेतावनी दिए आता है बिना चेतावनी के कहाँ गुरुदेव आपने मुझे सचेत तो कर ही दिया आपके इस उद्देश्य के लिए मैं आपका आभारी हूँ हनुमान शनि देव तुम पर कोपित है और उनके कोप को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ दिन के लिए किसी एकांत स्थान पर चले जाना चाहिए परंतु कुछ नहीं हनुमान तुम्हें जाना ही व्याधि तुम्हारे समीप है और तुम्हें जितना हो सके इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए इसी में तुम्हारी भलाई है अब विलंब ना करो हनुमान शीघ्र जाओ जैसे आपकी आज्ञा मिली भैया आजकल अपराध काल के कार्य में इतना व्यस्त रहते कि आपको हनुमान से मिलने का समय ही नहीं मिलता पर यही बात वे बार बार मुझसे बोलते रहते मुझे तो लगता है कि इस बात से वे रूठ के कहीं चले गए हम दोनों भले ही युगों युगों तक एक दूसरे से दूर रहे परंतु हमारे तब तो निश्चित ही आप जानते होंगे कि हनुमान कहाँ रहेगा हनुमान कहाँ है ये जानने के लिए तो मैं गुरु वशिष्ठ के पास जाना होगा आप ही बता दीजिए ना भैया यदि हम जानते होते तो अवश्य ही बता देते लक्ष्मी वैसे यदि तुम गुरु वशिष्ठ के पास ना जाना चाहो तो ये मेरे को प्रतीक्षा कर लो हनुमान यहाँ अवश्य आएंगे पर नहीं भैया मैं हनुमान का अधिक समय नहीं दूंगा मैं वशिष्ठ आश्रम अवश्य जाऊंगा
के अनुसार मुझे किसी एकांत स्थान पर चले जाना चाहिए, परंतु यहां कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहाँ चले गए हो? हनुमान की खोज में आकाश में भटकते भटकते लंबा समय बीत गया है, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए? नारायण 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 देवर्षि नारद, यहाँ क्या कर रहे हैं? हो सकता है अपने शिष्य हनुमान की सहायता करने के लिए उनके पास जा रहे हो। मुझे भी इनका पीछा करना चाहिए। देवर्षि देवर्षि देवर्षि, आप मेरे साथ आंख मिचौली का खेल क्यों खेल रहे हैं? प्रकट होइए। नारायण नारायण। मैं जानता हूँ देवर्षि आप मेरे पीछे हैं। अब बंद ही कीजिए आंख मिचौली का खेल और ये बताइए कि आप मेरे पीछे हनुमान कहाँ है? नारायण, मैंने अयोध्या में उन्हें हर जगह ढूंढा, परंतु वो कहीं नहीं। शनिदेव, आप शनिदेव हैं भी बजरंग बली है, आप डाल डाल है तो वो पाक पाक है। आप कहना क्या चाहते हैं? कदाचित आप मेरी भावना अपना बताइए, परंतु मुझे तो हनुमान का होना ही पड़ा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः,
गुरुदेव वशिष्ठ को सुमंत का प्रणाम। आयुष्मान भव महामंत्री सुमंत, कहिए अयोध्या में क्या समाचार है? सब कुशल मंगल तो है श्री राम के राज्य में? गुरुदेव की कृपा से सब कुशल मंगल। महाराज श्री राम ने मुझे आपकी सेवा में भेजा। कहिए क्या संदेश है? गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने इसी विषय में मुझे आपके पास भेजा है। इस विषय में हम स्वयं उनसे चर्चा करेंगे महामंत्री सुमन। हम जानते हैं कि इस समय वह राजकाज में अत्यंत व्यस्त है, इसलिए हम स्वयं उनसे मिलने के लिए अयोध्या की राजसभा में स्वयं उपस्थित हैं। गुरुदेव, 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 भैया लक्ष्मण आश्रम की ओर आ रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण यहाँ? प्रणाम भैया लक्ष्मण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव लक्ष्मण, इस आश्रम में पुनः तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। आओ सुमन जी, क्या आपको पता है कि हनुमान कहाँ है? नहीं महाराज, परंतु आप उनके लिए इतने चिंतित क्यों? वे अचानक कहीं अदृश्य हो, और यही जानने के लिए मैं गुरुदेव के पास आया हूं महामंत्री। विराजो लक्ष्मण, जैसी आज्ञा विराज। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या बात है लक्ष्मण, आप महामंत्री सुमन से क्या वार्तालाप कर रहे थे? गुरुदेव, मैं हनुमान के विषय में जानने आया हुआ हूं। वे एकाएक ही अयोध्या से कहीं अदृश्य हो गए। हनुमान अदृश्य हो गए?